क्या एक हिस्सा सिर्फ एक आदमी की तरफ से है, या एक हिस्सा जैसे एक बकरा है बकरे के बराबर है और एक घरवालों की तरफ से है। बास लोगों का यह कहना है कि एक बकरा सारे घर वालों की तरफ से हो सकता है, लेकिन एक हिस्सा एक शेर ये एक फर्द की तरफ से सारे घर वालों की तरफ से नहीं है। ये मफरूजा गलत है, ये सही नहीं है। अब वो कहते हैं कि नबी ने हदीस में फरमाया अन सबा, सात की तरफ से, सात घर वालों की तरफ से कहा। क्या पहली बात पे कयास आप ही कर रहे हो, ये कयास इबादत में दुरुस्त नहीं है। हाँ, अब सबा का मतलब क्या है, आप मुहद्दिसिन के पास जाओ, मुहद्दिसिन के पास, मुहद्दिसिन इमाम नववी जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह रखी है, मशहूर किताब उनकी रियाजुस सालेहीन है, अरबाइन है, वो लिखते हैं शरह मुस्लिम की शरह में यहां पर नबी ने 10 बकरों के बराबर करार दिया है, एक गाय को ऊंट को अद्दला अशरन 10 बकरे के बराबर करार दिया है, 10 बकरों के बराबर करार दिया है। एक साहबिया आए कहा कि अल्लाह के रसूल मैं एक ऊंट जबा करना चाहता हूं, मेरे ऊपर है ये गाय जो भी हो, मैं चाहता हूं कि जरा ज्यादा ये करूं। तो नबी ने कहा कि काम करो 10 तुम उसकी जगह पर 7 बकरे जबा कर दो, फिर एक नहीं ज्यादा देना चाहते हो तो 7। तो यहां पर एक गाय या ऊंट के बदले में नबी ने 10 बकरा करार दिया कि नहीं करार दिया, तो एक हिस्सा एक बकरे के बराबर हुआ कि नहीं हुआ है बाकायदा। और सऊदी स्टैंड कमेटी जो किबारे उलामा की कमेटी है जिसमें शेख बिन बाज और दीगर उलामा कराम, ये सारों का ये फतवा है एक हिस्सा एक बकरे के बराबर है, एक बकरा एक घर वालों की तरफ से है तो एक हिस्सा भी एक घर वालों की तरफ से है। और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको बाकायदा बाप बाद के इस चैप्टर में जिक्र किया, इमाम अहमद बिन हंबल और दीगर उलामा ने भी इसको जिक्र किया है। तफसीलात के लिए वक्त ना काफी है हाजरीन।